बाद जी ने सिवान को एक बेहतरीन होटल दिया जो सफारिन है, फिर एक हरिलाल दिया, फिर सिनेमा हॉल दिया, तो कितनी अच्छी पहल है इनके। मैं तो सिवान की जनता की ओर से मैंने शुरू में ही सुभाष जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पुत्रों को अपनी ओर से धन्यवाद दिया, मैंने बधाई दी कि आप सिवान के लोगों को नए दुनिया की ओर ले जा रहे हैं, सिवान के लोगों को नई दुनिया का एहसास सिवान में करा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के अस्पताल रोड साई हॉस्पिटल के बगल में खुल गया बेहतरीन सिनेमा हॉल, जिसका उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फीता खोलकर किया है। देख सकते हैं कि बेहतरीन सिनेमा हॉल अब सिवान में। 3 थिएटर है और तीनों में अलग अलग मूवी लगेगी। इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित किया गया है। बता दें कि दिन भर में 1500 चलेगा, तो बेहतरीन सिनेमा हॉल अब आपके सिवान में। आए सभी अतिथियों को शॉल एवं मोमेंटो देकर स्वागत भी किया गया है। तो देख सकते हैं सिवान में बेहतरीन सिनेमा हॉल अब खुल चुका है, बेहतरीन सुविधाओं के साथ। एयर कंडीशन सिनेमा हॉल अब सिवान में उपलब्ध है। कॉम्प्लेक्स सिनेमा हॉल अब सिवान में आ चुका है, इसका लाभ सिवान वासी उठाएंगे। देख सकते हैं उद्घाटन आज हो चुका है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज सिवान की जनता को बहुत बड़ा उपहार मिला है, और जो बदला हुआ बिहार है, जो बदला हुआ सिवान है, उसका एहसास आज यहाँ हो रहा है। किस प्रकार से बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से सिवान अपने पुरानी यादों को तोड़ते हुए एक नए रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, आज हम सब यहाँ आके महसूस कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिनेमा घर जो आज चालू हुआ है, यह अद्भुत है। सिवान की जनता के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है, और मैं इसके मालिक सुभाष जी को, विशेष तौर पे उनके पुत्रों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सिवान की जनता को एक ये नया उपहार भेंट किया है। इस प्रकार के सिनेमा घर देश के बड़े शहरों में, और यदि हम बिहार को देखें तो कुछ चुनिंदा 2-4 शहरों में ही इस प्रकार के सिनेमा घर उपलब्ध हैं। और ये सिनेमा घर पूरी तरीके से लोगों को आनंद के साथ चलचित्र देखने का अवसर देगा। समय बदला है, माहौल बदला है, सभी प्रकार के
काम करने के ढंग भी बदले हैं। सिनेमा बनाने का भी ढंग बदला है और सिनेमा दिखाने का भी ढंग बदला है। पहले चलचित्र जो बनते थे तो उसके फिल्म निर्माण की प्रक्रिया उतनी आधुनिकता के साथ नहीं जुड़ी होती थी और ना ही चलचित्र का जो प्रदर्शन सिनेमा घरों में होता था वो उतना आधुनिक होता था। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जब हम आते हैं तो महसूस करते हैं कि किस तरीके से सिनेमा देखने का अंदाज भी बदला है, पर्दे का साइज भी बदला है और जिन कुर्सियों पर बैठ के फिल्म देखते हैं उन कुर्सियों पर बैठने का आनंद भी बढ़ा है। तो आधुनिकता के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है तो सिनेमा हॉल भी बदला है और इसका एहसास आज हम सिवान के अंदर कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सिवान शहर में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में देश के आया हुआ हूँ। जिस प्रकार से अभी इंटीरियर इसका देख रहा हूँ, खूबसूरती है, तो पूरा जो टीम है कॉम्प्लेक्स का, उस टीम को बधाई देता हूँ इतना अच्छा निर्माण कराने के लिए। और मैंने कहा कि यह बदला हुआ सिवान जो है उसका एहसास कराता है। यही सिवान था कि कभी 7 बजे शाम के बाद सड़क पे कोई नहीं निकलता था और अब यही सिवान है जहां रात को 12:30 बजे यहां से फिल्म देख के लोग निकलेंगे। तो यही बदला हुआ बिहार है, यही बदला हुआ सिवान है और यही कानून का राज भी है और इस कानून के राज में जनता का आनंद भी। सर, सुभाष जी ने सिवान को एक बेहतरीन होटल दिया जो सफारिन है, फिर एक हरिलाल दिया, फिर सिनेमा हॉल दिया, तो कितनी अच्छी पहल है इनके। मैं तो सिवान की जनता की ओर से मैंने शुरू में ही सुभाष जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पुत्रों को अपनी ओर से धन्यवाद दिया। मैंने बधाई दी कि आप सिवान के लोगों को नए दुनिया की ओर ले जा रहे हैं, सिवान के लोगों को नई दुनिया का एहसास सिवान में करा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये सारण जिले का और बिहार का सबसे लग्जरी सिनेमा हॉल खुला है अपने सिवान जिले में, तो लोगों से यही अपील है कि आए देखें। सर, इसका उद्घाटन आज कर दिया गया है, शो की जो स्टार्टिंग है कब से शुरू हो जाएगी, इसका टाइमिंग क्या करें? एक्चुअल ये सारी जो बातें हैं ये सब बुक माई शो पर उपलब्ध हैं, क्या टाइमिंग है, कब कौन शो है और क्या प्राइसिंग है, ये सब बुक माई शो पर। इसमें IPL मैच भी चलेगा समय के साथ साथ, ये रुकने की पॉलिसी है क्योंकि मैनेजमेंट और रनिंग की जिम्मेवारी सारी कंपनी की है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा। सर, सिवान में अच्छे अच्छे बिजनेस आप दे रहे हैं जैसे सफारिन के बाद सिनेमा हॉल है, हरिलाल है, तो सिवान के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? इसी को तो पहल करना पड़ेगा और जो सिवान के डेवलपमेंट चाहते हैं सिर्फ बैठ के घरों में बैठ के दूसरों को आरोप लगाने से तो डेवलप सिवान नहीं होगा। यही बिजनेसमैन जो रात को जाके अपना खाना खा के सो जाते हैं, कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचे ही नहीं। स्वास्थ्य अगर सोचेंगे तभी तो सिवान आगे बढ़ेगा। सिवान को कौन आगे बढ़ाएगा, हम आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आपके बारे में तारीफ की, रूपेश जी जो है सिवान को बड़े बड़े चीज़ दे रहे हैं घूमने के लिए, सिनेमा हॉल, होटल, ये उनका आशीर्वाद है, उनको धन्यवाद है। स्मार्ट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, स्मार्ट साउंड मिलता है आपको यहाँ पे, कंफर्टेबल सीटिंग मिलता है, बहुत अच्छे फूड एंड बेवरेज के आपके पास ऑप्शन रहते हैं, मेंबरशिप आपको यू नो लाइक मिल सकती है यहाँ पे ऑफर्स, और बहुत सारी ऑफर्स चलती रहती है। जो बड़े बड़े मूवीज़ जो आते हैं जैसे एनिमल हो गए, बड़े मूवी जो आपको देखने के लिए जो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए सिटी में जाना पड़ता था या बड़े स्टेट में जाना पड़ता था, वही एक्सपीरियंस अभी आप। चलिए, वो तो बात ठीक है, काफ़ी लग्जरियस व्यवस्थाएं की गई हैं सर, हम लोग पता किए कि काफ़ी कम रेट, मिनिमम रेट 300-400 रुपये पर टिकट पर रखा गया है, उससे भी कम है सर, उससे भी कम। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों को क्या क्या प्राइस रखे हैं? जैसे फ्लाइट टिकट का एक रेट फिक्स नहीं होता है, वो डायनेमिक रहता है, वैसे भी सिनेमा में हम लोग अभी डायनेमिक टिकटिंग का ऑप्शन लेके आए हैं, जहाँ पे वीकडेज में आपका सिटिंग जो टिकट प्राइस होगा वो बहुत कम रहेगा, वीक एंड में तो थोड़ा सा वो बढ़ेगा, बट आपको साथ में वही मूवी को वीकेंड में एंजॉय करने का फैसिलिटी मिल सकता है। कोई सिवान से फैमिली कितना
बजट बचा कर अपने हम पहुँचे तो अच्छे से इंजॉय करके चले जा सकते हैं। मिनिमम एक प्राइस बताइए इसमें। देखिए कोई इसमें बता नहीं पाएगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम लोग सिनेमा भी दिखा रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस भी है। अगर इस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रॉपर्टी में आप डिनर भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज है। एक हम लोग लाउंज एक्सेस भी है, एक हमने प्रोजेक्शन ये देखा कि एक फैमिली जो है अगर निकलती है तो उसके मन में ये विचार आता है कि मूवी देख लें, कुछ पॉपकॉर्न वगैरह अच्छे से खा लें और खाना भी खा के, तो ये सारी चीज इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिल रही है, यही सिनेमा कॉम्प्लेक्स सिनेमा में आपको मिल रहा है। सवाल यहाँ उठता है, छोटे शहरों के अपने जो चैलेंजेस भी होते हैं, बड़े शहरों का सेटअप अगर आप छोटे शहर में ला रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस, भी वो इकोनॉमी की बात करें, लोगों की आदतों की बात करें, लोग हैबिचुएटेड नहीं होते हैं। नहीं देखिए हैबिचुएटेड तो कोई नहीं होता है। आई वुड लाइक टू आंसर दिस थिंग। जैसे इंडिया इंडिया के अंदर आपके पास में अगर फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पर देखने जाते हो राइट, सो इट इज़ ओनली सिनेमा। बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जैसे बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली को छोड़ देते हैं आप, सो बहुत बाकी सारे जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे आपके पास में ओनली एंड ओनली सिनेमा है, तो हमने सिर्फ उसको ट्राई किया लग्जरीज बनाने का। सवाल सिवान ही चुने आप, गोपालगंज भी था, छपड़ा भी था, गोपालगंज में भी सिनेमा बन रहा है हमारा, छपड़ा में भी सिनेमा बन रहा है हमारा, मुजफ्फरपुर में बन रहा है, मधुबनी में बन रहा है, पूरे बिहार में कितना है आपका? अभी हमारे पूरे बिहार में तकरीबन 24 थिएटर का प्लानिंग चल रहा है, जिसमें से 6 थिएटर चालू हो चुके हैं हमारे और तकरीबन 8-10 सेटअप चल रहा है। सिनेमा के अलावा जो आईपीएल मैच होते हैं या कोई अच्छा मैच होता है वो लोग आपको सारा सिनेमा घरों में लगा, सारा आनंद यहाँ पे मिल जाएगा। मैच भी चलेंगे, प्राइस भी होता है, जो लाइसेंस होता है जिसका हम लोग लाइसेंस एक्वायर करते हैं वही मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, डिजिटल जमाना है सर, आज युवा जो है सिनेमा हॉल तक काफी कम संख्या में जाते हैं, कैसे उसको आप फोन में जो भी कॉन्टेंट देखते हैं क्या फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं? जो युवा है जो कंटेंट फोन पे देखना चाहते हैं, आप ओटीटी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो कंटेंट ऐसा होता है जो फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देखा जा सकता है। नहीं, जो मूवी न्यू आती है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप मुझे बताइए आपको फोन में डॉल्बी का एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? जो एक्शन होता है, जो समझ लीजिए कि एनिमल मूवी है या चंदू चैंपियन मूवी है या कल की मूवी आई है, तो आपको जो ये विजुअलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन उस करोड़ों रुपये में मूवी बनाती है, क्या आप वो आनंद मोबाइल पे लेना चाहते हो या सिनेमा में लेना चाहते हो? तो क्या लग रहा है चैलेंजिंग नहीं है कुछ? नहीं बिल्कुल, तो बिहार है सिनेमा, सिनेमा पिछले 70 सालों से व्यवस्थाएं हैं स्टेट पार्टनर हमारे यहाँ पर चाहिए ना। सिवान वासियों से क्या कहेंगे, मूवी हॉल खुला है तो आइए मूवी देखिए, एंजॉय करिए अपने आपको, फैमिली को एंजॉय करिए, फ्रेंड्स के साथ में आइए, ग्रुप्स में आइए आप यहाँ पे। कौन सा टाइम है जहाँ से टिकट लोग बुक कर सकते हैं? आप बुक माई शो से हमारा कॉम्प्लेक्स का टिकट बुक कर सकते हैं, पेटीएम से बुक कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर की जो वेबसाइट है आप मूवी टिकट वहाँ से बुक कर सकते हैं, हमारा बॉक्स ऑफिस है, बहुत सारे थर्ड पार्टी पे भी हमारे टिकट्स अवेलेबल हैं। काउंटर सर, शो का टाइमिंग क्या है? ये मल्टीपल रहता है और शोज रहते हैं और एज पर स्क्रीनिंग डिपेंड करती है कि क्या मूवी का ड्यूरेशन है। एक अंत बड़े सेटअप को देख के डरता है कि बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, उससे क्या कहेंगे जी? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सच्चिदानंद शेट्टी है, मैं कॉम्प्लेक्स सिनेमास का ऑपरेशंस का उपाध्यक्ष हूँ, पूरा बिजनेस डेवलपमेंट और ऑपरेशन इनका संभालता हूँ। वो समय चले गया है जब लोग शहर जाते थे पिक्चर देखने, आज पिक्चर टॉकीज आपके शहर में आए, तो इसका जो मनोरंजन का जो लुफ्त आपको उठाना है वो आपके खुद के शहर में कर सकते हैं कम स्तरों पर। आपको जो पैसे लगते थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए और फिर पूरा खर्चा करके वापस आने में, उससे कम खर्चे में आज आपको सिनेमा घर में जो इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो सीटिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कंफर्टेबल सीटिंग्स आपको शायद ओटीटी या मोबाइल पे ना मिले, और जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस रहता है जो आपको शायद घर बैठे बैठे ना मिले, उसलिए हम सिवान के लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप आइए, इस मनोरंजन घर का मजा लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो बाकी के मल्टीप्लेक्सेस में भी मिलता है। आइए आपको तीनों ऑडिटोरियम चरणबद्ध करता हूँ रुपेश जी, जिन्होंने कि आज इस हौसले को अपने कायम करते हुए किया है। मैं ये कहता हूँ सभी लोगों को, आपके ऊंचाई पे जाने के लिए आपका अपना जो है मंगल ऊंचा होना चाहिए, लाभ घर में होना चाहिए, उसका जीता जाता उदाहरण आपको सिवान में मिला, कि सिवान को मिले मंगल जी, आज उच्च घर में है, आज सिवान को उच्च घर मिल रहा है, जो विकास का पहिया चल रहा है, बदलाव हो रहा है, वो आपको भी प्राप्त हो रहा है, ये ऐसा मौका है। और ऐसे मौके पे मैं उनका चरण वंदन करते हुए, मैं ये काशी से लाया हुआ थोड़ा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा बदलाव, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा
थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा नीचे।